दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पांच चीजों की जो कि कभी भी आपकी स्टेयर केस के नीचे नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है दोस्तों, वो आती है पूजा घर। बहुत बार देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ पूजा घर बना लेते हैं स्टेयर केस के नीचे। स्टेयर केस के नीचे काफी स्पेस है और वहां पे पूजा घर बना दिया गया है। तो दोस्तों, स्टेयर्स पे जब भी आप चढ़ते हैं, वो आप उस पर पैर रख के चढ़ते हैं, और नीचे अगर आप पूजा घर बनाएंगे तो वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी स्टेयर के इसके नीचे पूजा घर नहीं आना चाहिए। ये काफ़ी नुकसान दे सकता है घर में रहने वाले लोगों को। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्टेयर के इसके नीचे पूजा घर कभी ना आए। सेकंड चीज़ आती है दोस्तों, टॉयलेट। टॉयलेट दोस्तों स्टेयर केस के नीचे कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टेयर केस स्ट्रेस क्रिएट करती है। और जो भी आदमी दोस्तों उस टॉयलेट में जा रहा है, उसके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट में स्ट्रेस क्रिएट होगा, और वो स्ट्रेस वाले एरिया में अगर कोई भी आदमी वॉशरूम जाता है, टॉयलेट जाता है, उस आदमी के ऊपर उस चीज़ का काफ़ी नुकसान होता है दोस्तों। ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। सेकंड थिंग आती है दोस्तों, वेंटिलेशन की। प्रॉपर वेंटिलेशन कभी नहीं हो सकता स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट का। इस वजह से भी काफ़ी बीमारियां आती हैं। टॉयलेट में हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, और इसी वजह से वहाँ पे मल्टीपल रीजंस बनते हैं जिससे कि कोई भी आदमी उस घर में रहने वाला बीमार पड़ सकता है दोस्तों। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। आपने अपने सर्टिफिकेट्स स्टेयर केस के नीचे रख रखे हैं, या कोई आपको अवार्ड्स मिले हैं वो आपने स्टेयर केस के नीचे रख रखे हैं। तो कभी भी दोस्तों अपने अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट जो भी आपको मिले हैं, कभी भी वो स्टेयर केस के नीचे नहीं आने चाहिए। कोई भी बाई चांस आपने कोई शोकेस रख दिया है, उसमें आपने अपने अवार्ड्स डिस्प्ले कर रखे हैं और वो स्टेयर केस के नीचे रखा हुआ है दोस्तों, वो काफ़ी नेगेटिव होता है। वो आपकी ग्रोथ को रोक सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, हम पेट्स के लिए। हम घर में पेट्स रखते हैं, कोई आपने डॉग रख रखा है, कैट रख रखी है, उन पेट्स के लिए आपने स्टेयर केस के नीचे उनका रहने के लिए एक रूम बना दिया, छोटा सा उनके लिए एक जगह बना दी दोस्तों। दोस्तों वो पेट्स जो भी स्टेयर केस के नीचे रहेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स की डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशन फोर्सेस होती हैं। जिसका जो स्टेप नीचे है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, जो स्टेप ऊंचा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा। और उसके नीचे अगर आपका पेट सोएगा तो पहली चीज़ वो ढंग से सो नहीं पाएगा, वो ढंग से वहाँ पर रेस्ट नहीं कर पाएगा, और तीसरा वो उस फोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा दोस्तों, वो वहाँ पर बेचैन रहेगा। तो ध्यान रखिए, ये इंडिया के बाहर जब भी हम जाते हैं, बहुत बार मैंने ये चीज़ देखी है दोस्तों इंडिया के बाहर, कि पेट्स के लिए जगह बना देते हैं लोग अपनी स्टेयर केस के नीचे। तो दोस्तों ऐसे में ध्यान रखिए कि आप स्टेयर केस के नीचे पेट्स के लिए जगह ना बनाएं। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, सिटिंग एरिया। बहुत बार देखा गया है दोस्तों, लोग सिटिंग एरिया बना देते हैं एक स्टेयर केस के नीचे, छोटा सा सिटिंग एरिया बना लिया है। ऐसे नहीं बनाएंगे दोस्तों। स्टेयर केस के नीचे सिटिंग एरिया बहुत ही नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।